नमस्कार साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं पारितंत्र के प्रकार की। पारितंत्र के प्रकार में हमने आपको जलीय पारितंत्र बता दिया, स्थलीय पारितंत्र बता और सागरीय पारितंत्र भी बता दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंग्रोव आर्द्रभूमि जो उसके अंतर्गत आते हैं, हमने सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। संभवतः हमारा लास्ट क्लास होगा, या लास्ट क्लास के साथ साथ हमने कहा था ना कि जो टॉपिक मेरा चल रहा है, 8वां 9वां लेक्चर जो भी चल रहा है, ये जो अभी का क्लास है 2-3 दिनों का जो भी होके समाप्त होगा, 50% सिलेबस ये आपका कंप्लीट करेगा और 50% बाकी सिलेबस इसके बाद की चीज़ें कंप्लीट करेगी। तो मतलब हमारे 9 से 10 वीडियो में आपका 50% सिलेबस कवर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि अब जो बचा हुआ है वो UPPCS का फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन, दो चीज़ें PCS हर साल क्वेश्चन पूछता है और उसको कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में पूछता है, मरुस्थलीकरण और वन ओन मुंडल। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन, ये किसमें आएगा? ये स्थलीय पारितंत्र में आएगा। पारितंत्र के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो है हमारा स्थलीय पारितंत्र में आएगा। स्थलीय पारितंत्र के एक प्रकार से प्रकार हैं ये। अगर इसकी बात करने का प्रयास करें हम लोग, पहले मरुस्थलीकरण को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे वनोन्मूलन को देखने का प्रयास करेंगे। अभी संभवतः एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय कह सकते हैं नहीं बचा है, फॉर्म तो सबमिशन हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग को तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए और बार बार चीज़ों को पढ़ना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम भयंकर क्रिएट हो जाती है। एग्जाम के टाइम में आप चीज़ों को एक बार पढ़ के जाते हो और वहाँ पर सब भूल जाते हो, इसलिए कोशिश करो कि बार बार चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करो, नहीं तो कहोगे सर एग्जाम में आता आता क्वेश्चन भूल जाता है। इसलिए भूल जाता है क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है, और कॉन्फिडेंस की कमी कब आती है? जब आप एग्जाम में चीज़ों को आधा अधूरा पढ़ के जाते हो और क्या कहते हैं, पूरी तरह सेटिस्फाई खुद से नहीं होते हो, हमने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, वहीं 2-4 बार चीज़ों को पढ़ लोगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आएगा तो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मरुस्थलीकरण की। जैसे कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन एवं जो मानवीय क्रियाकलाप के कारण क्या कहते हैं चीज़ें क्या हो जाती हैं, जैसे ऊसर का निर्माण होता है, अर्ध ऊसर का निर्माण होता है एवं शुष्क उपाद्र क्षेत्रों में भूमि का अवनमन हो जाता है, बेसिकली वही मरुस्थलीकरण है। ठीक है, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण भी होता है और मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी होता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नहीं रह पाते हैं, वो भूमि क्या कहते हैं ऊसर का रूप धारण कर लेती है, वहाँ कोई उपज नहीं होती है, तो वो ज़मीनें किस में आने लगती हैं, मरुस्थलीकरण में आने लगती हैं। ठीक है, जैसे वन क्षेत्रों की जनसंख्या में तेज वृद्धि, सीमित भूमि तथा जल संसाधनों के बावजूद, ठीक है, जमीन की जो बढ़ती मांग के कारण, या फिर क्या कहते हैं नए उद्योग जो खुल रहे हैं उसके कारण जमीन पर, ठीक है, पानी में जहरीले पदार्थ भी घुल जा रहे हैं, और पानी में जहरीले पदार्थ घुल जाने से भी क्या कहते हैं मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है, जैसे उद्योगों की स्थापना हो रही है, या फिर क्या कहते हैं जमीन के नीचे से पानी की डिमांड बढ़ रही है। वन क्षेत्रों में बताया हमने कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो लोग क्या कहते हैं वनों पर डिपेंड हो रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, इससे भी क्या कहते हैं मरुस्थलीकरण देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि जो उद्योग खुल रहे हैं, उद्योगों के जो जहरीले पदार्थ घुल के पानी में जा रहे हैं, ये भी एक समस्या का कारण है, और क्या कहते हैं इसकी प्रक्रिया लगातार क्या कहते हैं घटती जा रही है, मतलब मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है और पेड़ पौधे वन क्या कहते हैं कटते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ने का प्रयास किया कि इसके प्रभाव क्या होते हैं और वनोन्मूलन के प्रभाव क्या होते हैं। क्वेश्चन बेसिकली प्रभाव और कारण से बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसके प्रभाव की बात करो, अगर मरुस्थलीकरण के प्रभाव की अगर हम आपको बताएं इसके बारे में, तो क्या होगा, जैसे आल विश्व पटल पर एक विकराल समस्या के रूप में ये उभरा हुआ है, आपको भी पता होगा कि उभरा हुआ है, और क्या कहते हैं अभी देखा जाए इसका प्रभाव सभी प्राणी जात, पर्यावरण, जलवायु, मृदा आदि पर भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों पर पड़ रहा है, प्राणी जात पर पड़ रहा है, पर्यावरण एवं जलवायु पर पड़ रहा है, मृदा पर पड़ रहा है, क्योंकि हमने बताया कि सब दूसरे से लिंकअप हैं। हमने पारितंत्र में यहाँ आपको समझाया कि एक दूसरे से सब लिंकअप हैं। अगर पानी में पोषक तत्व की कमी है, अगर क्या मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है, तो क्या होगा पेड़ पौधों को पोषक तत्व कम मिलेगा, वो मुरझा जाएंगे, अगर वो मुरझा जाएंगे उन पे जो जीवित प्राणी जीव डिपेंडेंट होंगे उनके लिए खाने पीने की समस्या होगी, और इस तरह से क्या कहते हैं संतुलन जो चलता है पारितंत्र का वो बिगड़ता चला जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं प्राचीन काल में काफ़ी सभ्यताओं के कारण भी क्या कहते हैं सूखा और क्या कहते हैं मरुस्थलीकरण प्रमुख कारण था, जैसे मोहनजोदाड़ो और क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक कारण माना जाता है, क्या था कि
सूखा था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में बैठाना, ये सब लिखने के काम आएगा। लेकिन अगर जो PCS के एग्ज़ाम की बात करें या किसी एग्ज़ाम की बात करें, उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें इसका प्रभाव पूछा जाएगा। और प्रभाव कई तरह से हो सकता है, पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है, सामाजिक प्रभाव हो सकता है, आर्थिक प्रभाव हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्यावरणीय प्रभाव में क्या आ सकता है आप खुद ही बताओ, इतना दिन से पर्यावरण पर रहे हो, इतना तो दिमाग में आपके आ ही गया होगा कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इतना तो बोल ही सकते हो कि पर्यावरणीय प्रभाव में क्या आएगा। और दूसरा क्या था, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ठीक, और राजनीतिक प्रभाव। ये चारों प्रभाव के बारे में एक्सप्लेन करिए। जैसे पर्यावरण में क्या आएगा, मृदा अपरदन होगा, वनस्पतियों का विनाश होगा, ठीक है, जल लवणीयता में वृद्धि होगी, लवणीयता में पानी की लवणीयता में वृद्धि होगी, मरुस्थल का विस्तार होता चला जाएगा, और क्या कहते हैं मवेशियाँ क्या कहते हैं उनको कम पानी मिलने से, मरुस्थलीकरण होने से मवेशियाँ क्या कहते हैं कुपोषित होते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ोगे सामाजिक प्रभाव में, बस याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंटों को भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मरुस्थलीकरण के प्रभाव हैं निम्न में से, मृदा अपरदन, मवेशियों का कुपोषित होना, मरुस्थल का विस्तार, इस तरह की चीज़ों को आपको दे देगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर आपसे सामाजिक प्रभाव में पूछेगा तो क्या कर सकते हो मरुस्थलीकरण में, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, भुखमरी होती है, ठीक है, भुखमरी इसलिए होती है कि पेड़ पौधे पे लोग डिपेंडेंट होते हैं, या फिर वहाँ पे पानी नहीं मिलने से सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। जैसे कह सकते हो अगला पॉइंट, स्वच्छ पानी की कमी रहती है, बीमारियाँ अनेक प्रकार की इन क्षेत्रों में रहती हैं, फसल तंत्र की काफ़ी बर्बादी होती है, आय की विषमता होती है, कोई चीज़ कोई फसलों को आप उगाओगे तो उसके लिए आपके लिए समस्या क्रिएट होगी, पता नहीं पानी का अभाव होने से सूख जाएंगी, आपका पैसा भी धन भी बचत बर्बाद होगा, और क्या कहते हैं फसल तंत्र की काफ़ी तरह से बर्बादी होगी, इसलिए आय की विषमता होती है और ऐसे क्षेत्रों से क्या कहते हैं लोग पलायन कर जाते हैं। इतनी समस्याएं होने के बाद फिर पलायन का एक बहुत बड़ा कारण भी होता है मरुस्थलीकरण, ठीक है। और आर्थिक समस्याओं में आपको बताने का प्रयास करें तो आर्थिक में क्या होता है, आर्थिक में आर्थिक व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि विषमता व गरीबी में काफ़ी वृद्धि होती है, आयात बढ़ता है और निर्यात में कमी होती है, तो इस तरह की चीज़ों को आप देखने का प्रयास करना। राजनीतिक में जाओगे तो राजनीतिक में क्या हो सकता है, योजना पर व्यय काफ़ी होता है लेकिन क्या कहते हैं कुछ हो नहीं पाता है, बेसिकली ऋण में वृद्धि होती चली जाती है, सरकार भी कहीं ना कहीं से लेती है और क्या कहते हैं योजनाओं का सही से क्रियान्वयन या फिर आवंटन नहीं हो पाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए कि इसको रोकने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं भारत में, तो भारत में रोकने के क्या कहते हैं कई प्रयास किए जा रहे हैं, उन चीज़ों को भी आप देखने का प्रयास करिए। हमने बताया जो क्वेश्चन आ रहा है बेसिकली यहीं से आ रहा है, प्रभाव से आ रहा है, और प्रभाव में ऐसी ऐसी चीज़ों को डाल देता है कि आपके लिए समस्या, जैसे अगर दे दिया वहीं कि मवेशियाँ कुपोषित होते हैं कि नहीं, फसल तंत्र की बर्बादी होती है कि नहीं, आय विषमता बढ़ती है कि नहीं, लोग पलायन करते हैं कि नहीं, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आपके दिमाग में नहीं आ पाएंगे जो आप टिक कर पाओगे, इसलिए ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनना ही बनना है, ठीक है। अब जैसे इसके बारे में कहा जाए कि यह एक बहुत बहुआयामी समस्या है, कई तरह से समस्याएं फैलती हैं जिसमें क्या कहते हैं जैविक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि अनेक पक्ष हो सकते हैं इसके। जैसे आपको सारी चीज़ें हमने बताया कि इसके अपने कई पक्ष हैं, जैसे 1985 में क्या हुआ था, 1985 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं प्रति विकास परिषद की स्थापना की थी, ठीक है, इसके निर्धारण के लिए कि इसका निर्धारण किया जाए और ऊसर सुधार योजनाएँ लाई गई मरुस्थलीकरण को दूर करने के लिए, और ये जो गठित की गई थी कमेटी क्या कहते हैं ये प्रति विकास परिषद, ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में अगर है तो इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। तो देखो रोकने के उपाय में क्या चीज़ें हैं, रोकने के उपाय में पहला रोकथाम कैसे किया जाए इसका, जैसे कि बेहतर भूमि उपयोग की जाए, सही समय पर सही फसल लगाई जाए, ठीक है, तब भूमि का बेहतर उपयोग होगा, जितनी पानी की मात्रा का यूटिलाइजेशन है उतना ही पानी दिया जाए ताकि अन्यथा कई जगहों पानी का उपयोग अलग से हो सके, ठीक है, नियोजन व प्रबंधन का ध्यान दिया जाए, और क्या कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान रखा जाए, तो ये सारी चीज़ें इसको रोकने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं, ठीक है। वृक्षारोपण किया जाए, सबसे बड़ा उपाय हो सकता है कि वृक्षारोपण भी किया जाए, क्योंकि अभी बताऊंगा आपको वनोन्मूलन में वृक्ष एक साथ में कई समस्याओं का निदान कर सकता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी और उसके साथ में आप इसको देख के पढ़ लेना। जैसे सामाजिक आर्थिक नियंत्रण कैसे हो सकता है, पशुचारण पर रोक लगाई जाए, न्यूनतम खुदाई हो, ज़्यादा खुदाई ना किया जाए, खनन ना किया जाए, ये सारी चीज़ें, और जो क्या कहते हैं
और समस्या हो सकती है, उत्क्रमण की भी एक समस्या यहाँ पे है, जो रोकने के उपाय में उत्क्रमण काफी कारगर हो सकता है। जैसे स्वच्छ मृदा अपरदन पर नियंत्रण किया जाए, जल का अच्छे से उपयोग किया जाए, रेत का क्या कहते हैं स्थलीकरण किया जाए, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी एग्जाम्स में पॉइंट फॉर्म में पूछता रहता है। जैसे कि जो आधुनिक पद्धतियां हैं उनसे भी क्या रोकने का उपाय हो सकता है, जैसे मेघ विजन का प्रयोग किया जाए कहा जाता है, सिंचाई के लिए टपकन विधि का उपयोग किया जाए, इससे पानी की बचत होगी, तो ये सारी चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हो। कभी इस पे ऐसे आ गया तो इन सारी चीज़ों का आप एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सरकार ने अपने भारत सरकार ने क्या किया या विश्व ने क्या किया, जैसे UNCCD ने क्या किया, UNCCD का मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, ये इसका है। ये क्या करता है, ये करता है कि यह कन्वेंशन मरुस्थलीकरण के लिए उन्नयन और सूखे की समस्याओं पे क्या कहते हैं समाधान के लिए कार्य करता है, ठीक है, इसको याद रख लेना UNCCD। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कि यह है क्या UNCCD, तो यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन क्या है कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, इसको याद रखना, ये मरुस्थलीकरण के लिए ही संस्था का उपयोग है। कई बार PT के फैक्ट में ऐसे पूछ लिया है ये क्या करता है ना, क्या बताया हमने, भूमि मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन की समस्या के समाधान के लिए ये काम करता है। कई देश इसमें जुड़े हुए हैं, लगभग 200 देश जुड़े हुए हैं, 200 देश मिलके इसको अलग तरीके से काम कर रहे हैं और बेसिकली भूमध्य क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जहां का तापमान अधिक होता है, और उसके पश्चिमी क्षेत्र में हमने आपको बताया था कि डेजर्टिफिकेशन बेसिकली फैला हुआ, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया और इन क्षेत्रों में मरुस्थल की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समस्या। जैसे मुकाबले के लिए कौन कौन से, जैसे एक स्कीम और चलती है इसके लिए, नेशनल एक्शन प्रोग्राम चलता है, NACCD जिसको बोलते हैं, 1996 में लाया गया था, ये भी मरुस्थलीकरण रोकने के लिए है। इसके बाद संपोषणी भूम व पारिस्थितिक प्रबंधन चलता है, उसमें भी इन चीज़ों को क्या कहते हैं सरकार जो है पर्यावरणीय सुविधा के भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम करके वैश्विक स्तर पर और क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके में इसमें GF की स्थापना की है, GF कई सरकारों का संयुक्त पहल है जो उसके द्वारा चल रहा है, तो ये चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, बेसिकली प्रभाव और क्या कहते हैं रोकने के उपाय में आप जाइए, वहीं से क्वेश्चन बनेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जानने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बताया कि UNCCD के बारे में आप जानकारी रख लेना कि ये किससे संबंधित है, और इसी के आगे अगर आप वनोन्मूलन में बढ़ोगे, वन का उन्मूलन मतलब डेजर्टिफिकेशन, वनों की कटाई, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक विस्तृत परिभाषा है। अगर कोई पूछेगा कि भैया वनोन्मूलन क्या है तो आप कहोगे वनों की कटाई, लेकिन अब आज के परिवेश में ये परिभाषा गलत हो जाती है सिर्फ वनों की कटाई, इसमें कई चीज़ें एक साथ आती हैं, जैसे वनों की कटाई तो आती ही आती है, उसके साथ में पेड़ों का गिरना भी शामिल है, जंगल की सफाई भी शामिल है, मवेशियों का चरना भी शामिल है, नए पौधों के साथ छेड़छाड़ करना शामिल है, ये सारी चीज़ें मिलकर वनोन्मूलन में आती हैं, ये आपके परिभाषा में पूछ सकता है। मवेशियों का चरना भी है, ठीक है, और क्या बताया, पेड़ों की कटाई तो है ही है, पेड़ों की कटाई के साथ साथ पेड़ों का गिरना भी है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना, पौधों के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हो तब भी। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ बनता है, यहाँ पे वनोन्मूलन के कारण क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसके कारण क्या होते हैं क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कारण, पहला कारण हो क्या हो सकता है, वन भूमि का कृषि में परिवर्तित करने से वन उन्मूलन में वृद्धि होती है। अगर वन भूमि को हम काट कर कृषि में क्या कहते हैं परिवर्तित करेंगे तो क्या समस्याएं होंगी, मृदा अपरदन की समस्या होगी, क्षरण की समस्या होगी, और क्या कहते हैं वन खत्म होते जाएंगे, खेती के रूप में विकसित होगा, उसी में सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी जो आप झूम कृषि करते हो। आज आपने यहाँ पे बसावट की और क्या कहते हैं खेती किया, और उसके बाद सारी चीज़ों को आप स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, जला के आप दूसरी जगह चले गए, तो यहाँ की आपकी वनों की बर्बादी आपने किया, आगे जहाँ जहाँ बढ़ते गए वनों की बर्बादी आप करते चले गए, इसलिए झूम कृषि भी एक समस्या है। चारागाहों में परिवर्तन जो खेतों का हो रहा है वनों का हो रहा है, ये भी एक समस्या है। जलावन की लकड़ी की मांग बढ़ रही है, उसके लिए आप पेड़ पौधों को काट रहे हो, हरे पेड़ पौधों को काट रहे हो, ये भी वनोन्मूलन का एक बहुत बड़ा कारण है, समस्या है। शहरी विकास में वृद्धि हो रही है, शहरीकरण का विकास हो रहा है, ये भी क्या कहते हैं वनों की कटाई करके जंगलों की तरफ लोग बसते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, ये भी अपने आप में वनोन्मूलन की एक समस्या है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक समस्या वनाग्नि होती है, जैसे बांस के ट्रीज से या किसी तरीके से या किसी के आग लगाने से, मानव निर्मित या फिर प्राकृतिक भी हो सकती है, वनों में आग लग जाती है, वन इससे भी साफ हो रहे हैं, इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर PCS पूछता है तो ये मेरे 7-8 टॉपिक को, 7-8 पॉइंट को आप क्या कहते हैं डिनोट कर सकते हो। और कारण के बाद दूसरी चीज़ें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कारण और प्रभाव से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं दो से बनते हैं। कारण तो आपने जान लिया क्या होता है, और प्रभाव देख लीजिए, प्रभाव का मतलब उसी में इंक्लूड सारी चीज़ें नहीं थे, मृदा अपरदन,
आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, अगर पेड़ पौधे होंगे तो पानी धीरे धीरे आएगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी तेजी से बढ़ता जाएगा, इसलिए आकस्मिक बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन का भी खतरा होता है, क्यों, इससे कैसे खतरा होता है आप पूछोगे, तो हम साफ से आपको बताएंगे। जैसे वन जो होते हैं स्थानीय निक्षेपण को बढ़ा देते हैं, स्थानीय निक्षेपण को बढ़ाते हैं और मृदा को जो है जलधारण की क्षमता को, जो मृदा होती है उसका जलधारण क्षमता की बढ़ा देते हैं, ठीक है, और जल चक्र को ये क्या कहते हैं, नियंत्रित करते हैं, ये तीनों काम ये एक साथ करते हैं। और ये भी कह सकते हो जो जंगल से जो पत्तियां गिरती हैं उसको क्या कहते हैं, पोषक तत्व के रूप में यूटिलाइज करते हैं, अपघटन के द्वारा पोषक तत्व होता है, ठीक है। जब ये सारे चक्र, इसमें से कोई भी समस्या होगी, वन नहीं होगा पत्तियां नहीं गिरेगी, वन नहीं होगा तो स्थायी निक्षेपण नहीं होगा, वन नहीं होगा तो मृदा की जलधारण क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो कुछ न कुल मिला के ये सारी चीज़ें जैव विविधता पर भी असर डालेंगी, इससे कह सकते हो कि जैव विविधता पर भी खतरा पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग तो यही तो डिस्कस कर रहे हैं ना कि जैव विविधता पर भी क्या कहते हैं, कमी आएगी, ठीक है, प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, जो पादप पेड़ पौधे होंगे वो भी विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी हो रही है, इसके कारण हाँ बढ़ोतरी हो रही है, प्रदूषण का ये कारण भी बन रहा है एक तरह से, वनों का कटना। तो इस तरह की चीज़ों को आप नोट कर लेना और समझना, समझने का प्रयास करना। आपका दो क्वेश्चन श्योर है यहाँ से आएगा, एक डेजर्टिफिकेशन से और दूसरा डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है। इसके बाद अब कुछ उसमें बचा नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है सुपोषण, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है पीसीएस, नहीं तो फिर हम इसके आगे पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं को पढ़ाएंगे, प्रदूषण को पढ़ाएंगे और क्या कहते हैं 7-8 क्लास अभी और होंगी, जहाँ से कोशिश यही रहेगी कोई क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए पीसीएस में। धन्यवाद।